गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के पोएट्री का फर्स्ट पार्ट जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वाटन के द्वारा यह लिखा गया है। और कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मतलब कि इसका अर्थ यह है प्रसन्नचित जीवन का चरित्र, एक व्यक्ति प्रसन्नचित कैसे रहेगा, और उसके बारे में हेनरी वाटन ने जो है इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि व्यक्ति किस क्वालिटी का व्यक्ति जो है व्यक्तित्व का ऊंचा होगा और वह जो है उसका चरित्र जो है ऊंचा होगा, वहीं इस कविता के माध्यम से कवि ने हेनरी वाटन ने दर्शाया है। मैं इस कविता को अब बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप इसको कई बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेंजा को देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टार्ट। बार्न मतलब जन्म से कह रहा है और टार्ट मतलब कह रहा है शिक्षा से, कह रहा है कि वह व्यक्ति जो चरित्र का जो है धनी व्यक्ति है जीवन में, वह कह रहा है कि ही बार्न आर टार्ट, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, सर्वथ मतलब होता है कार्य से, मतलब कि वह व्यक्ति दूसरे की इच्छा से वह कार्य नहीं करता है, दूसरे की व्यक्ति के इच्छा से वह कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज हार्नेस थॉट, उसका आर्मर माने कवच होता है, आर्मर मीन्स जो होता है कवच, हिज हार्नेस मतलब उसका ईमानदारी का थॉट मतलब विचार, उसका ईमानदारी का विचार ही क्या है उसका कवच है, उसका ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अनमोस्ट स्किल, और साधारण सच ही उसका सर्वोत्तम योग्यता है, या स्किल मतलब कौशल है, अनमोस्ट मतलब सर्वोत्तम, और स्किल मतलब होता है योग्यता से, क्वालिटी से, गुण से होता है, यही है। फिर से देख लीजिए एक बार, हाउ हैप्पी इज हिज बार्न आर टार्ट, वह व्यक्ति जिसका चरित्र उज्ज्वल है ना, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिस व्यक्ति का चरित्र में अच्छा है, प्रसन्नचित है, उसी के बारे में कह रहे कि हाउ हैप्पी इज हिज बार्न आर टार्ट, वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्नचित है। दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं से कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर हिज हार्नेस थॉट, उसका ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अनमोस्ट स्किल, और साधारण सच ही उसका सर्वोत्तम गुण है। अगले स्टेंज में देखिए, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पैशंस मतलब होता है मनोवेग से, मनोप्रवृत्ति से, प्रवृत्ति मतलब होता है क्रोध, प्रेम, भय, सारे चीज़ मनोवेग में आता है, जो भी आपके मन में किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है सारे उसमें आएंगे। नॉट हिज मास्टर्स आर, कह रहा है कि वह अपने मनोवेगों का मनोप्रवृत्तियों का वह स्वामी नहीं होता है।
कि उसका मन जो काल है वह करे, ऐसी बात उसमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, स्टिल मतलब ऑलवेज सदैव, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फॉर डेथ मतलब मृत्यु के लिए, उसकी आत्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। उसकी आत्मा क्या रहती है, मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ड्स विथ केयर, मतलब कि वह सांसारिक बाधाओं से वह अनटाइड मतलब कि फ्री होता है, मुक्त होता है, बाधा नहीं होता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वेलगर ब्रीथ, कर आए न तो उस व्यक्ति को राजा के प्रेम से मतलब है और न ही वह साधारण व्यक्ति की आलोचना से कभी चिंतित होता है। वह जो है न तो राजा के प्रेम की इच्छा रखता है और न ही जो है वह साधारण व्यक्ति की आलोचना से जो है वह चिंतित होता है। अगले संज्ञा में देखिए, कह रहा है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स रीड, कह रहा है उसका जीवन, उस व्यक्ति का जीवन क्या है, र्यूमर्स मतलब अफवाहों, अफवाहों से फ्री मतलब मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट, रिट्रेट मतलब होता है शरण स्थल, स्ट्रांग मतलब दृढ़ होता है, कंसाइंस मतलब होता है अंतःकरण, अंतर आत्मा, आत्मा आत्मा मतलब कि होता है उसमें अंतःकरण होता है। कह रहा है कि उसकी, कह रहा है कि हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट, उसका दृढ़ स्थल ही उसकी वह अंतरात्मा है, अर्थात उसकी अंतरात्मा में जो भी आता है वह उसका दृढ़ जो है शरण स्थल है, वही उसका सब कुछ है। हु स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, है ना, कह रहा है कि हु उसका, कह रहा है कि फ्लैटर मतलब चापलूस, वह किसी का चापलूसी नहीं कर सकता है। स्ट्रेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वह चापलूसी से मुक्त होता है, फ्री होता है। ना रुइन, रुइन माने विनाश में, ना ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस मतलब होता है कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति, वह नहीं वह जो है विनाश दमन करने वाले का जो है वह महान बना सकता है। वह जो है किसी विनाशकारी दमनकारी नीतियों वाले व्यक्तियों का जो है कभी वह महानता के बारे में चर्चा नहीं करता है। हु इनवाइस नॉन हुज चेंज चांस है चांस डाक रेस, कह रहा है कि वह इच्छा नहीं करता है, इनवाइस मतलब इच्छा से होता है, नान मने नहीं करता है, वह उन व्यक्तियों की इच्छा, उन व्यक्तियों से इच्छा नहीं करता है जो व्यक्ति संयोग से ऊंचाई छू रहे हो, मेहनत करके संयोग से ऊंचाई छू रहे। चांस माने अवसर होता है और रेस माने ऊपर उठना। नर वाइस और नहीं बुराई करते हैं। हुज नेवर अंडरस्टूड, वह यह कभी नहीं समझते हैं कि हु डीपेस्ट वुंड्स आर गिवेन विथ प्रेस, कह रहा है कि वह कभी नहीं समझते हैं कि वह प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। कह रहा है कि ना हु डीपेस्ट मतलब होता है गहराई, कितना गहरा है उन मतलब घाव से, आर गिवेन विथ प्रेस, प्रेस मतलब प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं उसको ये पता नहीं, वो कभी नहीं यह समझ, अंडरस्टैंड मैंने होता है समझना, वह कभी इस बात को समझता नहीं है। कह रहा है कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कह रहा है वह राज्य के कानून को, राज में स्टेट माने राज्य होता है, को रूल की चिंता नहीं करता है वो, और बल्कि जो है रूल्स ऑफ गुड अच्छे
अच्छाई के कानून को वह जो है लागू करता है, उस पर चलता है। देखिए अगला सेंटेंस देख लीजिए, हु गार्ड दैट, दैट मतलब कि डज से यहाँ पर है, लेट एंड ईयरली प्रे, वह व्यक्ति, ऐसे चैत वाला व्यक्ति तभी प्रसन्नचित रह सकता है, वह हमेशा लेट एंड रियली, ईयरली मतलब होता है हर समय, प्रातः और शाम हर समय जो है वह ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है। हु गार्ड दैट लेट एंड ईयरली प्रे, वह व्यक्ति हमेशा जो ईश्वर की हर समय जो है प्रातः एंड शाम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिस ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, कहने का मतलब यह है कि हिस गिफ्ट मतलब होता है वह कृपा, वह अधिकतर जो है कृपा के लिए करता है, न कि उपहार के लिए। वह परिणाम फल पाने की इच्छा से वह ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, वह हमेशा जो है किसके लिए, हिज ग्रेस कृपा पात्र के लिए, कृपा के लिए करता है। वह यह नहीं कहता है कि नहीं हे ईश्वर हमें जो है आप जो है हमारा फल अच्छा हो, हम इसमें इतना ये करें, उन्नति करें, ऐसी बात नहीं है। वह व्यक्ति जो है ईश्वर तो सब कुछ जानता है, उसको उससे मांगने की क्या ज़रूरत है। यही लाइन कह रहा है कि हु गार्ड दैट लेट एंड ईयरली प्रे, वह व्यक्ति हर समय जो है प्रातः और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, किसके लिए, मोर फॉर हिज ग्रेस, ईश्वर की कृपा के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, वह उपहार के लिए नहीं, परिणाम पाने के लिए नहीं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इंटरटेन मतलब बिताना होता है, बिताता है, और द हार्मलेस मतलब हानि रहित, वह अपने समय को, वह हानि रहित दिन को जो है विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड्स, वह उसमें से वेल चूजन मतलब कि अच्छा चुनाव करता है, अच्छा समय को काटने के लिए वह क्या करता है, अच्छे पुस्तक से या तो अच्छे मित्र के साथ बिताता है, किसको, वह हार्मलेस देखो जो हानि रहित समय है, जो शेष समय बचा हुआ है उसको जो है वह या तो अच्छी पुस्तक वह पढ़ेगा या तो अपने मित्र के साथ बिताएगा। वह मित्र कैसा होगा, अच्छा चैत्र वाला होगा, चैत्रवान होगा, गुणकार होगा। हिज मैन, अगले से देख लीजिए, हिज मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कह रहा है कि यह व्यक्ति क्या है, फ्री है फ्रॉम सर्वाइल बैंड मतलब सर्वाइल सेलेप्स होता है, मतलब दासता से, दासता के बंधन से मुक्त है। वह व्यक्ति, यह व्यक्ति कह रहा है हिज मैन, यह व्यक्ति कौन, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित व्यक्ति के चरित्र वाला व्यक्ति के गुण ये होने चाहिए, ऐसा नहीं है तो वह प्रसन्नचित कभी नहीं रह सकता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल पैंट, वह यह व्यक्ति दासता के बंधन से मुक्त है। ऑफ हव टू राइस आर फेयर टू फॉल, वह न ही उठने की आशा से, न तो उठने की आशा से वह भयभीत रहता है, और न ही फेयर टू फॉल, और न ही गिरने के भय से भयभीत रहता है, कोई उसकी इच्छा नहीं है, वह चिंतित नहीं रहता है। फिर सुन लीजिए, कहा कि आप होप टू राइज, वह इस आशा से जो है ऊपर उठने की, ऊंचाई छूने की आशा से वो चिंतित नहीं रहता है, और नहीं उसे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, कह रहा है वह संसारिक संपत्ति बेशक उस नहीं है, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का स्वामी है। वह बेशक उसके पास था दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड मतलब होता है सांसारिक जो संपत्ति है उसको दर्शा रहा है,
वह उसका बेशक कुछ भी नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह स्वयं का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, वह जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, हैविंग नथिंग कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या है, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। इस तरह से कवि जो है हेनरी वाटर ने इस कविता के माध्यम से वह बच्चों में संदेश डाला है कि किस तरीके से आप जो है अपने चरित्र को उज्ज्वल करेंगे, हमेशा हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। एक बार पुनः फिर पूरी कविता से आप जो है हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। बस 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 इसी देखिए, शुरुआत से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बार आर टाट, वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से, जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, और वह व्यक्ति क्या है, दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता। वह क्या है, दूसरों की इच्छाओं से कार्य नहीं करता। हुज आर मस इज हिज हार्नेस थाट, उसका आर्मस मतलब कवच क्या है, हिज हार्नेस थाट, उसका उसके ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सच ही क्या है, उसका सर्वोत्तम गुण है, कौशल है, योग्यता है। करा कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, उस वह व्यक्ति क्या है, मनोवेग का वह स्वामी, मनोवेग को जो है वह स्वामी नहीं बनाता है। मतलब अपने मनोवेग की जो प्रवृत्तियां हैं, क्रोध है, प्रेम है, लोभ है, सबसे वो मुक्त है। पैशंस माने मनोवेग होता है, मनोवेग में सभी इच्छाएं आती हैं जो आपके अंदर है। कहा कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा क्या है, वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक बाधाओं से मुक्त रहता है। और प्रिंसली लव आर विलगर ब्रीथ, वह न तो राजा की कृपा की आशा रखता है, मतलब न चिंता करता है, और न ही साधारण लोगों की आलोचना से चिंतित होता है। आगे देख लीजिए, कहने का मतलब यह है कि बच्चों ये चरित्र उज्ज्वल रहेगा तभी आप स्वतंत्र रहेंगे, कहीं भी रहेंगे वह आप हमेशा आनंदित रहेंगे। देखिए अगला स्टंजा, कह रहा है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड, वह उसका जीवन क्या है, रिमर्स से अफवाहों से मुक्त है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। हुज कंसाइंस हिज स्ट्रांग रिट्रेट, उसकी दृढ़ शरण स्थल ही अंतर आत्मा है ना। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, वह अफवाहों से वह चापलूसी, वह कह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर, वह किसी की चापलूसी नहीं करता है, वह चापलूस व्यक्ति नहीं होता है कि आप जो है किसी की बड़ाई करें तो आपको कुछ मिले, ऐसी बात नहीं है। कह रहे कि नार रुइन, रुइन माने विनाश, बर्बाद कर देना, में ओप्रेसस ग्रेट, कह रहा है कि विनाश दमनकारी व्यक्तियों का जो है, अत्याचारी व्यक्तियों का वह महानता नहीं कर सकता, बना नहीं सकता है। कह रहा है कि वैसे व्यक्ति को वह महान नहीं बना सकता जो अत्याचारी हैं, वो जो विनाश की कगार पर हमेशा चलते रहते हैं। देखिए, हु एन वाइस नान चांस डथ रेस, कह रहा है कि वह व्यक्ति क्या करता है, इन वाइस नान, कभी ईर्ष्या नहीं करता, कभी ईर्ष्या नहीं करता। हु चांस डथ रेस, जो संयोग से विकास करता है, संयोग से ऊंचाई लेता है, छूता है,
है ना, ऊंचाई पर जाता है उसको वह कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नर वाइस नहीं बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं इस बात को समझ सकता कि हु दी पेस्ट वुड्स आर गिवन विथ प्रेस, मतलब कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं वह कभी इस बात को समझ नहीं सकता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राजा के राज्य के कानून की चिंता नहीं करता है बल्कि रूल्स ऑफ गॉड गुड्स, रूल्स ऑफ गुड्स बल्कि वह अच्छे अच्छाई वाले कानून को लागू करता है, मानता है, लागू करता है। देखिए कह रहा है कि हु गॉड डॉट लेट एंड ईयरली प्रे, वह व्यक्ति क्या करता है, लेट एंड ईयरली मतलब कि हर समय प्रातः एंड शाम हर समय जो है वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिस ग्रेस, मोर ऑफ हिस ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मतलब पुरस्कार या उपहार पाने की अपेक्षा वह अधिकता जो किसा करता है कृपा पात्र के लिए, कृपा पाने के लिए करता है। इस तरह से और देख लो कि वह हमेशा ईश्वर की प्रातः और सायं जो है प्रार्थना करता है किसके लिए, मोर ऑफ हिस ग्रेस, अधिकतर जो है कृपा पाने के लिए और न कि उपहार पाने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह क्या है मतलब बिताता है वह हानि रहित दिन को विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड्स, वह अच्छे किताबों का चुनाव करता है बिताने के लिए या अच्छे मित्र का चुनाव करता है। हिस दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति वह दासता के बंधन से मुक्त रहता है, मुक्त है ऑफ होप टू राइज, उठने की आशा की चिंता नहीं करता है और नहीं गिरने के भय से भयभीत रहता है। ठीक, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह सांसारिक संपत्ति का बेशक वो मालिक न हो, उसके पास नहीं है, लेकिन वह स्वयं का मालिक है, स्वयं का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ आल, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ही हैथ आल, सब कुछ है। इसी पर देखिए कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।